छात्री को अध्यापक दुष्कर्म अभियोग भुवनेश्वर नहरकंडा स्थित श्री जयदेव कॉलेज ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी रे चांचल्य खेली जाइए ये घटना को लेकिन जड़े छात्री को अध्यापक जनक यौन निर्यातना सह दुष्कर्म करयदेव कॉलेज ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फिजिक्स अध्यापक प्रमोद रंजन दास नाँ एभली संगीन अभियोग आसी कॉलेज कर्तृपक्ष पाखे अभियोग आसवाप कॉलेज इंटरनल कमिटी यार तदंत कर किंतु घटनार सत्यता नहीं से ही ठोस प्रमाण मिल ना कॉलेज सहित मैटर रिलेटेड नुहे कॉलेज एनसीसी जनैका छात्री गोटे अभियोग पत्र आम को देते से मानसिक निर्यातना दि जाइए अभियोग करते आम को जून 22 तारीख दिन गोटाए बेले से आमको देले आमे दिन तीनटा बेले सांगे सांगे गवर्निंग बोर्ड प्रेसिडेंट भुवनेश्वर सब कलेक्टर पाखु फॉरवर्ड कलु सी गोटे कमिटी गठन करिया पय कहिले जेहेतु ये घटनाटी डिसेंबर मासर थिला दीर्घ 8 मास पर से आमको पिलाटे अभियोग पत्र आनी देला तेणु आम पाखे आगे सांगे कौन तदंत करने कौन व्यवस्था नाला आम पाइलापर अभियोग पत्र सांगे सांगे एनसीसी ब्लॉक को आम सिल करदे से ही आधार रे तदंत रिपोर्ट दाखल करूँ सब कलेक्टर पाखे सब कलेक्टर महोदय ताकु आम को जुलाई 21 तारिख रे आउ गोटे देले जे आपको आउ टे पुंखानुपुंख 1913 मसीहा सेक्सुआल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से ही आधार रे करिया पाए सेपटे उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु अभियुक्त अध्यापक को कोचिंडा बदली कर दिया जाइछि एहा स पुंखानुपुंख तदंत लागि जिला अभियोग कमिटी रे रिपोर्ट करबाकु उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु कॉलेज प्रिंसिपल को निर्देश दिया जाइछि तबे अध्यापक जनक यौन निर्यातना सह दुष्कर्म करथिबा छात्री जनक लिखित अभियोग करथिले एने कॉलेज कर्तृपक्ष किंबा अभियुक्त अध्यापकंकर किछि भी प्रतिक्रिया मिलि पारि नाही भुवनेश्वर ज्योति प्रकाश पति को रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी ए जीवन साथे पुणी जीवन रा देखा हेला मते साई सबुरी हॉस्पिटल बालकाटी भुवनेश्वर।